हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेल्टा की VFD-M सीरीज़ के लिए कि उसे टू वायर और थ्री वायर कंट्रोल में कैसे चलाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू वायर कंट्रोल के लिए। उसके लिए हमें कंट्रोल वायरिंग कैसे करनी होती है, तो डेल्टा VFD-M के जो कंट्रोल टर्मिनल्स होते हैं वो होते हैं आपके M0, M1, M2, M3, M4, M5, GND। ये GND जो है ये कॉमन होता है, और M0, M1, M2 से ये M5 तक ये आपके मतलब मल्टी स्टेज में जब आप VFD को कंट्रोल कर रहे होते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। तो उसके बाद मान लीजिए ये हम टू वायर के लिए बात कर रहे हैं, तो GND और ये M0, तो और ये M1, ये GND। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि जब तक ये GND जब ये GND M0 से कनेक्ट होगा तब ये फॉरवर्ड चलेगी, और जब M1 से होगा तब ये रिवर्स चलेगी। उसके बाद में आपके ये फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी फ्रॉम पोर्ट यानी कि पोटेंशियल मीटर, ये आपका 10K का, तो 10K का जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आता है उसमें तीन टर्मिनल होते हैं, 1, 2, 3। 1 पे हम और GND को, और इसको हम एनालॉग, ये एनालॉग वोल्टेज इनपुट है, ये 10 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट के लिए GND ग्राउंड है। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं कि हमें टू वायर कंट्रोल के लिए कौन कौन से पैरामीटर सिलेक्ट करने होते हैं और क्या क्या उसमें वैल्यू डालनी होती है। तो चलिए पैरामीटर पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी के लिए कि हमारा जो सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हम कहाँ से फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करें। तो उसके लिए पैरामीटर आता है डेल्टा VFD-M में PR00, PR00 जो कि सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए होता है। इसमें आप 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक वैल्यू कोई भी डाल सकते हैं, जिसमें कि अगर आप 0, 0 डालेंगे तो इसमें ये डिजिटल कीपैड यानी कि जो ड्राइव के ऊपर कीपैड होता है उससे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में ये 0, 1 तब होता है जब हम 10 वोल्ट की इनपुट हम जंपर के थ्रू दे रखिए अगर हम देंगे तो। उसके बाद में 0, 2 ये 4 to 20 mA के लिए होता है। उसके बाद में 0, 3 ये जब हम RS485 से कम्युनिकेट करके ड्राइव को और तब फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तब। और ये 0, 4 जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर लगा के यानी कि हमें अगर मान लीजिए कि हम टू वायर को पोटेंशियल मीटर से कम या ज़्यादा स्पीड करें तब हमें 0, 4 यानी कि हमें PR00 में 0, 4 डालना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं हमारे कंट्रोल टर्मिनल का सिलेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स उसके लिए पैरामीटर नंबर 0, 1 पर जाएंगे। 0, 1 जो कि सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें वैल्यू 0 से लेके और 4 तक डाली जाती है। अगर हम इसमें 0, 0 डालते हैं तब ये डिजिटल कीपैड यानी कि कीपैड से जो डी मतलब VFD का कीपैड जो होगा उससे रन या स्टॉप होगी। उसके बाद में हमारा एक्सटर्नल कंट्रोल और 2 पर भी एक्सटर्नल कंट्रोल, ये एक्सटर्नल कंट्रोल 2 इस वजह से दे रखे हैं क्योंकि एक्सटर्नल कंट्रोल स्टॉप इफेक्टिव
इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो हमारा ड्राइव का कीपैड होता है उस पर स्टॉप का बटन होता है, तो अगर हम 01 डालेंगे तो एक्सटर्नल से चल जाएगी, लेकिन अगर हम ड्राइव से स्टॉप वाला बटन दबा के स्टॉप करना चाहें तो हो जाएगी स्टॉप। लेकिन वहीं पर अगर हम 02 डालेंगे तो जो भी हमारा लॉजिक होगा वो एक्सटर्नल कंट्रोल से ही होगा। उसके बाद में 03, 03 जो RS485 स्टॉप इफेक्टिव मतलब ड्राइव का कीपैड का स्टॉप के लिए बात कर रहा है, और 04 ये भी RS485 होगी और ये स्टॉप इन इफेक्टिव होगा। तो अब हम बात करेंगे ड्राइव के एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के बारे में। हाँ सॉरी, इसमें आपको ये 02 वैल्यू डालनी है जो कि एक्सटर्नल कंट्रोल पे हम चलाने वाले हैं टू वायर से। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपका PR10 पैरामीटर नंबर P10 ये आपका एक्सेलरेशन टाइम होता है जिसे आप 0.1 सेकेंड से लेके और काफ़ी जितना आपको एक्सेलरेशन टाइम देना है उतने तक वैल्यू आप डाल सकते हैं। उसके बाद PR11 ये आपका डी एक्सेलरेशन के लिए होता है जिसमें कि आपकी 0.1 से लेकर जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है उतने सेकंड तक का डाल सकते हैं टाइम आप। अब चलते हैं फ्रेंड्स जो हमारा M0 और M1 जो कंट्रोल टर्मिनल है हमें उसका सिलेक्शन कैसे करना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम लास्ट पैरामीटर यानी कि PR38 जो कि हमारा मल्टी फंक्शन इनपुट M0 और M1 के लिए होता है। इसमें हम 0.0 से लेके 0.2 तक हम वैल्यू डाल सकते हैं। अब ये जो 0.0 है ये M0 के लिए बोल रहा है कि M0 पर जब GND कनेक्ट होगा तो फॉरवर्ड चलेगी और नहीं होगा तो स्टॉप हो जाएगी। इसी तरीके से M1 पे जब GND कनेक्ट होगा वो रिवर्स चलेगी और स्टॉप हो जाएगी। हमें जब जब हम रिले वगैरह से ऑपरेट करते हैं तब ये वाला सिलेक्ट करना है जैसे कि हम अभी करने वाले हैं टू वायर के लिए, इस वाले को सिलेक्ट करना है। इसमें एक और कंडीशन होती है ये मतलब अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से होता है। ये 01 ये रन और स्टॉप यानी कि M0 से हम रन कंडीशन एनेबल और डिसेबल करते हैं और M1 से रिवर्स फॉरवर्ड चलाते हैं। जब भी हम M0 पर सप्लाई दिए रहेंगे कंटिन्यू तो वो रन मोड में होगी। अब M1 जब कंटिन्यू आ रहा होगा तो वो फॉरवर्ड चलेगी, अदरवाइज नहीं आ रहा होगा तो रिवर्स चलेगी और रन और स्टॉप आपकी ड्राइव M0 से होती रहेगी। और उसके बाद 02 जब हम 3 वायर में बात करेंगे फ्रेंड्स तो हमें ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये 3 वायर के लिए मैं लिख देता हूँ 3 वायर टू टू वायर के लिए। ओके फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि 3 वायर की जो वायरिंग होती है 3 वायर कंट्रोल की जो वायरिंग होती है वो हम कैसे करते हैं। ये 2 वायर के लिए मतलब जैसे ये 2 वायर में जितने भी पैरामीटर डले हैं जी ये पोर्ट के लिए, ये फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, ये एक्सटर्नल कंट्रोल टर्मिनल के होता है, एक्सेलेशन डी एक्सेलेशन जो होता है ये बस 2 वायर में और 3 वायर में हमारे पैरामीटर में जो फ़र्क आता है वो बस यहीं पर आता है कि हमें जब हम 3 वायर कंट्रोल के लिए सिलेक्शन करेंगे तो हम 02 का सिलेक्शन करेंगे। तो अब देखते हैं 3 वायर के लिए हम कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं ड्राइव की। तो फ्रेंड्स 3 वायर कंट्रोल के लिए हम वायरिंग कैसे करते हैं, ये हमारा GND पॉइंट होता है, ये M0 M1 और M2, फॉरवर्ड के लिए M0 रिवर्स के लिए M1 और स्टॉप के लिए M2। अब ये GND को NC एलिमेंट जो होता है नॉर्मली क्लोज्ड उस वाले कॉन्टेक्ट से हम M2 को जोड़ देते हैं जिससे कि हमारा GND और M2 शॉर्ट रहता है। उसके बाद में M1 जो कि हमारा रिवर्स है ये NO एलिमेंट के थ्रू होता है और ये फॉरवर्ड ये भी NO एलिमेंट के थ्रू होता है। उसके बाद में मान लीजिए ये इससे शॉर्ट है तो अगर आपने M0 वाला जो पुश बटन प्रेस किया तो ये फॉरवर्ड मोड में चलने लगेगी, फॉरवर्ड रोटेशन चलने लगेगी और जैसे ही हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगी।
ठीक इसी प्रकार जब हम M1 वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स चलेगी, और M2 वाला बटन प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यही जो है इस ड्राइव का पैरामीटर मैंने आपको पहले बताई दिए हैं, बस आपको PR38 में चेंज करना पड़ेगा बस। ओके थैंक यू। तो फ्रेंड्स अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड काम करते हैं या ऐसे फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं जैसे कि आर्डिनो बेस्ड की आर्डिनो प्रोग्रामिंग या HMI प्रोग्रामिंग, ह्यूमन मशीन इंटरफेस PLC प्रोग्रामिंग या ड्राइव इंस्टॉलेशन या सर्वो ड्राइव, अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इन चीज़ों को बेसिक से आपको बताएंगे। थैंक यू।